नमस्कार, UPN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UPN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। जो देखा देखते रहिए UPN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। विदिशा ब्यूरो चीफ रणधीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 21 के रहवासियों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर वार्ड में जगह जगह बैनर लगा दिए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि नाली एवं रोड नहीं तो वोट नहीं। जब हमारी टीम ने रहवासियों से चर्चा की तो उनका कहना था कि वार्डवासी विगत वर्षों से परेशान होते आ रहे हैं। बारिश के मौसम में गंदा पानी घरों में भरा जाता है। हम रहवासी निकलने के लिए परेशान हैं। पास के प्लॉट में पानी भरा हुआ है, जिनकी वजह से मार्ग अवरुद्ध है। कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर पानी को रोक दिया है, जिससे हमारे घरों में पानी भरा रहता है और रास्ता न होने की वजह से पानी में से निकल कर जाना पड़ता है। हम व हमारे बच्चे पानी में निकल कर जाने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अधिकारी बच्चे गिर जाते हैं और उनकी ड्रेस व किताबें गीली हो जाती हैं। हम सभी वार्डवासियों ने वार्ड में बैनर लगाकर विरोध स्वरूप अपील की है कि कहा है कि आने वाले चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। इस मौके पर वार्डवासी पुरुष महिला और बच्चे एकत्रित रहे और विरोध किया। आप किस वार्ड की हैं? वार्ड नंबर 21। क्या समस्या है आपकी? समस्या बस पानी की है और रास्ता की। नहीं, पानी समस्या मतलब पानी क्या? पानी निकल नहीं रहा, नालियों में भरा है, घरों में भरा है पानी। और मकान हमारे मतलब पहले के बने और हमारी रास्ता भी है इसमें से, लेकिन हमारी रास्ता बंद कर रखी। कब से बंद? एक साल हो गए। ये किसने बंद कर रखी है? ये तिवारी, अंशु तिवारी। तो आप क्या चाहती हैं? हम बस रास्ता और नाली चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अगर और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि आप अगर समस्या आपकी हल नहीं हुई तो आप क्या चाहते हैं? वोट नहीं देंगे किसी को। क्यों? इसीलिए कि जो हमारी रास्ता नहीं बनेगी और तो नाली नहीं बनेगी तो हम रास्ता को नहीं देंगे वोट किसी को। आप किस पार्ट से हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? ये है कि हम लोगों ने कई बार शिकायत की थी, हमारे यहाँ देख सकते इसकी शिकायत हमने सभी प्रशासन से की है। पानी एक तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, कलेक्टर साहब ने कोई समाधान नहीं है। CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है सारे मुद्दावासियों ने। इससे परेशान होकर हम सब लोगों ने यह डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन? इस बार कोई भी व्यक्ति मतलब अगर आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आप जी नहीं तो कोई भी वोट नहीं डाले। यहाँ के जो और बात करते हैं उनसे पहले बोला सभी से शिकायत की प्रशासन नगर पालिका को भी सूचित किया है। इस बात नहीं नगर पालिका महोदय CMO को भी सूचित किया है और अपने ये तहसीलदार साहब को भी किया है। कई बार आवेदन रखे।